हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उत्कर्ष बंसल, पीडियाट्रिशियन। मैं आज आपके सामने कोरोना वायरस डिजीज के बारे में फिर से एक अपडेट लेके आया हूं। कोई भी पैंडेमिक जो होता है उसके अंदर चार स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जब ये विदेश से हमारे देश में आया, दूसरी स्टेज जब विदेश से आए हुए नागरिकों से देश के नागरिकों में फैलना शुरू हुआ, तीसरी स्टेज तब होगी जब ये हमारे नागरिकों में ही आपस में फैलना शुरू हो जाएगा, और चौथी स्टेज पैंडेमिक होगी जब ये बहुत तेजी से फैल रहा होगा। अभी हमारे देश में स्टेज टू में है और हमारा प्रयास है इसको स्टेज टू में ही ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक रोकना, ताकि ये बीमारी ज्यादा फैल ना सके। हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे देश में कोरोना वायरस डिजीज को फैलने से बहुत अच्छी तरीके से अभी तक रोका गया है। स्टेज टू में इस बीमारी को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब हम लोगों को जानना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए उसको फॉलो करने के लिए। बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स होती हैं जहाँ पे भीड़ होती है, ऐसी जगहों पे ना जाएं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो घर में ही रहिए। घर से बाहर तभी निकलिए जब कोई बहुत ज़रूरी काम हो। अस्पताल हमें अपनी इमरजेंसी सुविधाओं के लिए जाना है। अगर आपका कोई रूटीन चेकअप होना है या कोई बहुत नॉर्मल परेशानी लग रही है तो अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो अस्पताल नहीं जाना है। लोगों से अगर आप मिल रहे हैं तो आप हाथ मत मिलाइए, नमस्ते करिए उनसे। क्वारंटाइन क्या होता है, क्योंकि ये शब्द आप लोग आजकल सुन रहे होंगे, तो क्वारंटाइन उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी हाल में ही विदेश यात्रा की है या किसी विदेश यात्री के संपर्क में है। हमारी गवर्नमेंट गाइडलाइंस ये कहती हैं कि उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना चाहिए। क्वारंटाइन घर पे हो सकता है, अस्पताल में हो सकता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो घर में, अगर आप बीमार हैं तो अस्पताल में होगा। घर में रहते हुए भी ये ध्यान रखना है कि आपको अपने और परिवारजनों से एक्सपोज नहीं होना है। आपको अपने घर में एक कमरे में ही रहना होगा। कोशिश करिए वो कमरा इस्तेमाल करिए जिसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम हो, ताकि आपको और लोगों से ज़्यादा मिलना पड़े घर के। जो क्वारंटाइन में रहेगा उसको कोई भी लक्षण लग रहा है तो उसको मास्क पहन के रहना। मास्क पहनते समय अपने हाथों को धोइए, उसके बाद मास्क पहनिए और उसके बाहरी हिस्से को मत छुइए। और जब मास्क आप उतारें तो उसको किसी सेफ जगह पर डिस्पोज करना है, यानी उसको एक डस्टबिन में, अगर आप बंद डस्टबिन में कर दीजिए, या एक पॉलिथिन में पैक करके और उसके बाद उसको डिस्पोज करें। घर के और लोगों से कम करना है। खाना भी आपको उसी कमरे में खाना होगा। बहुत ज़्यादा बंद कमरा नहीं होना चाहिए, वेंटिलेशन का पूरा इंतजाम होना चाहिए उस कमरे में। तो 14 दिनों तक का आप उस कमरे में रहिए, सेफ रहिए, खुद सेफ रहेंगे, अपने घर वालों को सेफ रखेंगे और अपने देश को सेफ रखेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर करिए और उनको जागरूक बनाइए। धन्यवाद।